महिला सर्वोदय मंडल द्वारा रविवार को सिविल लाइन्स स्थित एक क्लब में वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति की पत्नी सुमिता सिंह और इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलपति की पत्नी सरोज और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी मौजूद रही। वसंतोत्सव कार्यक्रम के दौरान निक्की रानी को बसंत क्वीन चुना गया। इस दौरान उषा, कल्पना रानी, रीता मल्होत्रा, डॉक्टर सुगंधा भारती, आरती श्रीवास्तव, नीलम श्रीवास्तव और नीलू सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, अच्छा आपका प्रयास था, है ना, इसको और धीरे धीरे और उससे करके पढ़िए, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोग प्रयास तो करते हैं एक्चुअली कि हम पढ़े प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि मैडम बताए, अंजू चौधरी जी मुझे बता रही थी कि बहुत ही हम लोग जो है इसमें मैत्री, सेवा, मनोरंजन और मनोरंजन, तो ये तीनों चीजें अगर हम महिलाएं अगर मिल जाए, मैत्री, सेवा करने लग जाए, मनोरंजन करने लग जाए, तो फिर किसी चीज़ की हमें जरूरत ही नहीं है, है ना। तो आप एक महिला कहते हैं शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ भी जो भी आपके पास है, जो जैसा मैडम ने बताया कि आप अपने काम करने वाली हैं उनके बच्चों को, उसको या आसपास के किसी भी लोगों को, मैं गुजरात अक्सर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पर महिलाएँ घर में बैठ करके ट्रेनिंग कर रही हैं। वो महीने में 20-25 हज़ार अपना कमा रही थी हर हाउस वाइफ, और उनके बड़े शौक हैं, घूमती भी हैं, फिरती भी हैं, तो मतलब कुछ भी है वो एक दूसरे को सिखा देती हैं। तो आपके अंदर शौक होगा तो कुछ समय आप अपने लिए 2 घंटा 1 घंटा परिवार के सिवा अपने लिए जरूर निकालिए, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य के संबंध में, मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को अपनी आयरन टेस्ट, जो आप हैं और आपके आसपास जो भी महिला है उसको सबसे पहले ये कहिए कि नहीं आपको आयरन टेस्ट कराना है। हीमोग्लोबिन की कमी अक्सर महिलाओं में पाई जाती है जिसकी वजह से वो मतलब कमजोर महसूस करती है, क्योंकि हम हर मामले में जो है सब कुछ ये जेंडर और सेक्स की बात होती है, महिलाएं पुरुष के बराबर ही है, क्या होता है हम बस कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, कभी कभी दिमाग से महसूस करते हैं, कभी कभी हम शारीरिक रूप से महसूस करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने मन को मजबूत बनाना है, हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना है, शिक्षा पे ध्यान देना है ना। थैंक यू। शायद नहीं मालूम होगा, वो भी जान रहे कि इस क्लब कैसे और किन समस्याओं के बीच शुरू हुआ। सन 1961 में जब गोरखपुर महिला सर्वोदय मंडल यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महिलाओं का संस्था है और सेवा के कार्य करता चला आ रहा है, लेकिन इस कोरोना के दरमियान हम लोगों का क्लब बिल्कुल कम्प्लीटली लॉकडाउन के ऐसा ही बंद था, और आज पहली बार हम लोग इस बसंत ऋतु को मना रहे हैं और इस बसंत में हम लोग पीले वस्त्र में आकर करके इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इसमें हम लोग अपनी चीफ गेस्ट के रूप में वाइस चांसलर, जो हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनकी वाइफ हैं जो कि एक जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड स्टेटिस्टिक्स हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनके पत्नी श्रीमती सरोज पांडे को भी इन्वाइट किया है, उन लोगों ने भी महिलाओं के इस संस्था के लिए और सेवा, मैत्री और मनोरंजन का, महिला सर्वोदय मंडल का विशेष रूप से उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि कोरोना के लॉकडाउन में पहली बार वो लोग बाहर निकली हैं, और जितने हमारी करीब 50 से 60 मेंबर्स आज आई हैं तो अब हम लोग निकलना शुरू कर रहे हैं, मास्क आदि का और डिस्टेंस जो भी हमारे कोरोना को लेकर के आदेश हम लोग को दिया गया है उसको हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग आज यहाँ पर बसंत को और विशेष रूप से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक लंच मीटिंग रखा गया है नेपाल क्लब के प्रेमिस में, इसको पिकनिक का रूप दिया गया है ताकि लोग बाहर के ओपन एयर में अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए और बसंत मौसम का लाभ उठाएं।